आज हम बात करेंगे एक फ्रेजिंग की। बहुत सारे पेशेंट्स फीमेल्स हमारे पास आते हैं क्वेश्चन लेके कि व्हाट इज एक फ्रेजिंग, हाउ इट इज डन एंड व्हाई इट शुड बी डन। सो व्हाट इज एक फ्रेजिंग? एक फ्रेजिंग मतलब कि अगर कोई भी फीमेल अभी प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती या उनकी शादी नहीं हुई है या वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं फॉर अ सर्टेन एज, क्योंकि फीमेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे अंडों की संख्या ओवेरियन एजिंग वो कम होती है। उसकी वजह से अगर हम 30 साल पे अंडे की संख्या अगर बात करें और हम 40 ईयर्स पे बात करें तो 40-45 ईयर्स पे वो काफ़ी कम हो जाती है। एक फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम फीमेल को इंजेक्शन देके उनके अंडे बनाते हैं। जब वो अंडे बन जाते हैं तो हम उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर एक प्रोसीजर है जिसको हम विट्रिफिकेशन कहते हैं या फास्ट फ्रीजिंग कहते हैं, और उस अंडों को फ्रीज हम करके रख देते हैं। ये प्रोसीजर उनके लिए भी हेल्पफुल है जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर में सर्टन ड्रग्स आती है जो कीमोथेरापी कहते हैं या सर्टन ऑपरेशंस आता है जिसमें या तो बच्चा ओवरी या अंडाशय को निकालना पड़ता है या कीमोथेरापी की वजह से अंडों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है या रेडियोथेरापी, बिकॉज रेडियोथेरापी भी अंडों की संख्या को कम करती है। तो ऐसे केस में कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हम प्रिफर करते हैं कि हम उस फीमेल के एग्स को बाहर निकाल के हम फ्रीज कर दें। जो फ्रीजिंग की प्रोसीजर इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, इस प्रोसीजर से हम अंडों को कितने भी समय तक फ्रीज कर सकते हैं। कितने भी समय तक मतलब कि 6 महीना, 1 साल, इवन 4 से 5 साल तक हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम लंबे टाइम तक फ्रीज करें तो क्या क्वालिटी में कोई बुरा असर होता है? नहीं। अगर हमने फ्रीज किया है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीजिंग करके रखा है तो हम उसको 1 महीने बाद निकाले या हम उसको 2 या 3 साल के बाद निकाले, द क्वालिटी विल रिमेन द सेम। सो ये एक फ्रीजिंग की प्रक्रिया है। सेम वे मेल पार्टनर में भी हम सीमेन फ्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे मेल पेशेंट्स जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, सेम वे अगर उनको कीमोथेरापी रेडियोथेरापी कुछ भी लेना है तो यस वी कैन प्रिजर्व द स्पर्म बाय वेरी सिंपल टेक्निक। आई थिंक